फ्रेंड्स वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर रहे होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत 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 सारे आइडियाज शेयर कर रही हूँ ताकि आप अपने घर को सुंदर भी बना सके, साथ में उसे ऑर्गेनाइज भी कर सकें। आशा करूंगी आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगेगा और बहुत सारे आइडियाज आप लोग प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को स्टार्ट। हम सबके पास ना ये वाले मेटल स्टैंड तो पक्का ही होते हैं, या तो हम इसे ऑनलाइन खरीदते हैं या ऑफलाइन। इसके साथ आपको एक मेटल का जो प्लांटर मिलता है उसी के साथ एक बोरिंग तरीके से ही क्यों उसे हमें यूज़ करना है, क्यों हम एक नया तरीका नहीं यूज़ करते हैं अपने घर के किसी भी कोने को एक नया लुक देने के लिए। तो मैंने जो DIY प्लांटर बनाया था वो मैंने इसके टॉप के ऊपर रखा, पर मैंने सोचा जो नीचे की जगह खाली है वहाँ पे भी मैं एक और प्लांटर ऐड कर देती हूँ। और आप देखिए यहाँ पे हमारा कितना आसानी से एक 2-tier मेटल प्लांटर स्टैंड बनके रेडी है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप ये आइडिया ज़रूर ही ट्राई कीजिएगा। हम सबके पास कुछ ना कुछ फेस शीट मास्क होते हैं या फिर कोई और इस तरीके के प्रोडक्ट्स हमारे पास होते हैं, तो उन्हें ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए आप लोगों को अपने किचन से बस एक रेक्टेंगल शेप का कोई भी बॉक्स ले लेना है और उसके अंदर आप इन्हें आराम से रख सकते हैं। ये किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं है, बस मेरे पास यही फेस शीट मास्क थे तो मैं उन्हीं को आपको रख के दिखा रही हूँ ताकि आपकी ये सारी जो चीज़ें हैं ये बिखरी बिखरी ना ही आपके वार्डरोब में रहे ना ही आपके ड्रेसिंग एरिया में। आप यहाँ पर लेबल भी कर सकते हैं या फिर कलर के अकॉर्डिंग भी आप इन बॉक्सेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये जो मेटल का कुकी बॉक्स है इसका DIY मैंने आपके साथ बहुत पहले शेयर करा था, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो कुकी बॉक्स है इसे आप ऑर्गेनाइजर की तरह यूज़ कीजिए अपने डाइनिंग एरिया पे। तो जो एसेंशियल आइटम हैं जैसे कि आपके सॉल्ट एंड पेपर शेकर हैं, चाहे आपके टिश्यू पेपर हैं, चाहे आपके टूथपिक्स हैं, तो ये सारी चीज़ों को आप इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके देखिए। एंड ट्रस्ट मी, जो मैंने पहले यहाँ पे मेटल बास्केट रखी थी ना उससे भी बहुत ज़्यादा मुझे ये ऑर्गेनाइज़र अच्छा लगा। तो बिना कोई रुपये खर्च करे भी अगर आपका घर उतना ही खूबसूरत लग सकता है तो ट्राई कीजिए नए नए आइडियाज से अपने घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो कि देखने में भी उतना ही प्यारा लगे। यहाँ पे एक हनी बॉटल जो मेरी खाली हुई थी उसे मैंने अच्छे से पानी से फिल करके पूरी रात इस मग में छोड़ दिया था, तो बहुत आराम से जो स्टिकर है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे ना ही मैंने कोई गर्म पानी यूज़ करा, ना ही मैंने कोई सर्फ डाला, बस एक रात के लिए छोड़ा और सारा स्टिकर आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। बाथरूम एरिया के अंदर जो भी आपके घर के प्लास्टिक वेस्ट है आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो यहाँ पे एक मैंने मिठाई का जो बॉक्स है उसे यूज़ करा है और उसके अंदर अपने और बेटी के शैम्पू, चाहे आपके फेस वॉश है, आप उन्हें रख सकते हैं। और इस हनी बॉटल के अंदर भी आप लोग टूथपेस्ट, ब्रशेज, इन सबको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। डेफिनेटली ये आइडिया बहुत ही अच्छा है, अगर आप इसे ट्राई करें तो आपके घर के वेस्ट को भी आप रिड्यूस कर सकते हैं और उसे एक अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। साइड टेबल के ऊपर मैंने सोचा क्यों ना ये जो हमने वहाँ से प्लांटर निकाला था अब इसे हमें कहीं ना कहीं तो यूज़ करना है, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है अगर आपको इसे ऑर्गेनाइजर की तरह यूज़ करना है। जब ये आइडिया मैंने ट्राई करा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही यूनिक सा आइडिया है। और मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ये कुछ बुक शेयर कर रही हूँ जिनको लेके मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इन सब के लिंक्स मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप लोग इन्हें ज़रूर परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस प्लांटर स्टैंड के अंदर आपने सारी बुक्स को ऑर्गेनाइज कर लिया, एक नया ही लुक मिल जाएगा आपकी जो साइड टेबल है उसको। और ये इतना अच्छा तरीका है, जब आपने एक चीज को एक जगह से हटाया है तो दूसरी जगह उसे आप ऑर्गेनाइजर की तरह यूज कर रहे हैं। सब
आपके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा के अंदर माइक्रोफाइबर के कपड़े होंगे या टॉल होंगे या बच्चे हैं तो छोटे छोटे हम लोग हैंकी लेते रहते हैं। तो जहाँ पे मुझे थोड़ा सा सस्ता सामान मिलता है तो मैं उसे थोड़ा सा लेके रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये चीजें आज नहीं तो कल काम में आ ही जानी है। पर इनको हम रखें कैसे? अगर हम वार्डरोब में रखें एक के ऊपर एक करके तो ये बिखरते रहते हैं। तो बहुत ही आसान सा जो तरीका मुझे लगता है इनको ऑर्गेनाइज करने का वो ये है कि अगर आपके पास ये छोटे टॉल हैं तो आप इस तरीके से इसे फोल्ड कीजिए। ये वाला तरीका मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया था, शायद इससे पहले वाली वीडियो में। तो ये बहुत आसान तरीका है, पर अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो बहुत ही आसान सा तरीका है। आप लोगों को ले लेना है टॉवल, उसे हाफ फोल्ड कीजिए और उसके बाद एक और फोल्ड कर दीजिए, बस उसके बाद आपको करना है रोल। तो ये बहुत ही आसान और एक ऑर्गेनाइज करने का चीज़ों को मुझे लगता है सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपके पास कोई और तरीका नहीं है तो बस उसे रोल कीजिए अच्छे से चीज़ों को। पर इस तरीके से रखने के लिए ना आपके पास एक बॉक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक कार्डबोर्ड बॉक्स। इस कार्डबोर्ड बॉक्स को ना मैं रैप कर रही हूँ ना इसके ऊपर कोई खर्चा कर रही हूँ। मेरे पास एक और कार्डबोर्ड बॉक्स था, तो चाहे तो आप कोई प्रिंटेड बॉक्स भी ले सकते हैं जिसके फ्लैप्स हैं उन्हें आप अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे इसके ऊपर, ना कोई गिफ्ट रैप लगाएंगे ना कुछ और यहाँ पे पेंट करेंगे, क्योंकि रखना तो इसे वार्डरोब में है। जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें। तो यहाँ पे जो एक तरीका आपने यूज़ करा है वही सभी टॉवल और हैंकी के साथ यूज़ कीजिएगा, उसी से एक यूनिफॉर्मिटी आती है और देखने में चीज़ें ऑर्गेनाइज लगती हैं। तो आप लोगों को सबको एक ही पैटर्न में यहाँ पे फोल्ड करना है, तो वही तरीका मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और हर एक को मैंने उसी तरीके से फोल्ड करा। और देखिए कितनी आसानी से हमने यहाँ पे हर छोटे से बड़े हैंकी टॉवल और माइक्रोफाइबर कपड़े को ऑर्गेनाइज कर लिया। तो था ना ये कितना आसान सा पर बहुत ही अच्छा टिप, जिससे आपके जो भी माइक्रोफाइबर कपड़े हैं, चाहे आपके टॉवल हैं चाहे हैंकी हैं, उन सबको आप बिना कोई भी रुपए खर्च करें एक छोटे से कार्डबोर्ड बॉक्स में बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इससे ही पता चलता है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कि आप अपने घर को जितना अच्छे से ऑर्गेनाइज रखते हैं उतना ही आप भी ऑर्गेनाइज होंगे। और ये बॉक्स इतना स्लीक सा है कि आपके वार्डरोब में बिल्कुल भी जगह नहीं लेगा। एक छोटे से कोने में आप इसे फिक्स कर दीजिए, बहुत आराम से आ जाएगा और बहुत ही ऑर्गेनाइज लगने वाला है आपका वार्डरोब। कई बार मैं जल्दी में होती हूँ तो मैं सोचती हूँ बाथरूम एरिया के पास ही काश मुझे क्लचर मिल जाते, मुझे बार बार अपने बेडरूम में ना जाना पड़ता। तो आप उसके अंदर अपने जो भी क्लचर हैं उनको यहाँ पे इस तरीके से लगा दीजिए। अब आप लोगों को बार बार टू एंड फ्रो मूवमेंट नहीं करनी पड़ेगी और बहुत आराम से चीज़ें आप लोगों के सामने होंगी। ये आइडिया मेरा पर्सनल आइडिया है जो मैं यूज़ करती हूँ। अगर आप लोगों को ये पसंद आया था तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, या फिर आप लोग भी अगर ऐसा करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हमारे पास बहुत सारे टी लाइट कैंडल्स होती हैं, जब हमें डेकोरेट करना होता है या दिवाली आती है तो हम इन्हें रखने के लिए क्या तरीका यूज़ करें? तो देखिए इन सबको रखने के लिए मैं कोई बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइज़र का यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे घर पे जैसे ही कुछ भी किचन के ऐसे ही प्लास्टिक वेस्ट निकलते हैं तो मैं उनका यूज़ करती हूँ। तो जैसे ये कॉम्प्लान का था डब्बा, ये खाली हुआ था तो मैंने इसके अंदर सारे टी लाइट रख रखे हैं। इसके ऊपर मैं मेंशन ज़रूर करती हूँ क्योंकि ऐसे मेरे पास बहुत सारे बॉक्सेस हैं तो ये गुम हो जाए या फिर मुझे ना मिले तो बेटर है आप परमानेंट मार्कर से इनके ऊपर लिख दीजिए कि इस बॉक्स में आपने क्या सामान रखा है, फिर आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी इन छोटी छोटी चीज़ों को ढूंढने में। ये जो सारी बुक्स थी इन सबको मैंने इस DIY जो प्लेट स्टैंड था उसके अंदर रखा हुआ था, बट मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाह रही थी। इस लुक को देखने के बाद मैं थोड़ा सा बोर हो रही थी कि चलिए कुछ चेंज करा जाए और इस जो हमारा प्लेट स्टैंड है उसे एक नए तरीके से यूज़ करा जाए। तो मैंने इसके अंदर छोटे छोटे से जो पर्स और क्लचेस होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ करा। अगर आप लोग भी ऑफिस गोइंग हैं, छोटे छोटे से पर्स रखते हैं या पार्टीज़ में जाना होता है तब आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप इस के अंदर आराम से छोटे छोटे पर्स क्लचेस इनको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जो उनके साइड में एक्स्ट्रा चेन आती है मैं उसे अंदर ही रख देती हूँ ताकि वो बहुत ज्यादा बिखरा बिखरा ना लगे और चीजें बहुत आराम से आपको मिल जाएं। ये आपके वार्डरोब के अंदर जगह भी नहीं लेता है और ये देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है।
बच्चों के जो भी हेयरबैंड होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए ये जो पीडियाश्योर आता है ना बच्चों का, उसी को मैंने डीआईवाई करा हुआ है। इसके ऊपर मैंने वार्निश कर रखी है, इसे मैं वॉश कर लेती हूँ, बिल्कुल भी इसका पेंट नहीं निकलता है और बच्चों के सारे हेयरबैंड इसके अंदर आराम से आ जाते हैं और वो बिल्कुल भी इधर उधर घर में कहीं नहीं फैलते हैं, सीधा जहाँ मिलते हैं इस बॉक्स में आके रख देती है। अब आप सोच रहे होंगे ये जो प्लांटर्स हैं ये सिर्फ प्लांटर्स ही हैं, इनका हम और कोई यूज नहीं कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसका बहुत ही अच्छा आइडिया जो आप लोग अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए, ये जो दोनों प्लांटर्स हैं इनको मैंने यूज करा, क्यों ना हम इन्हें बुक स्टैंड बना के यूज करें। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं खरीदना, हमारे जो भी प्लांटर्स हैं घर पे एक जैसे दिखते हों, जिसके अंदर आपने एक जैसे प्लांट्स लगा रखे हैं, उसे आप यूज कीजिए और बुक स्टैंड बना दीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा आइडिया है, बहुत ही यूनिक सा है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं अभी से जो सेंटर टेबल है उसके नीचे अरेंज कर रही हूँ और यहाँ पे देखिए बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग ये आइडिया जरूर ट्राई करते हैं तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे डीएम करते हैं और मुझसे शेयर करते हैं जो चीजें आप लोगों ने मुझसे इंस्पायर होके बनाई होती हैं। That's all for today. I hope you have enjoyed watching today's video. और आज के वीडियो से भी आपको बहुत सारे helpful ideas मिले होंगे अपने घर को organize और सुंदर बनाने के। आगे आने वाली videos की update के लिए आप लोग मुझे Instagram पे follow कर सकते हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने channel को subscribe नहीं करा था तो channel को भी subscribe कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे next video में, तब तक लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। With lots of love from that mystic trunk. Take care and bye bye. And see you in my next video. Bye bye.